दोस्तों यदि आप बाथरूम में हो बाथटब फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में हर छोटी से बड़ी और जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। हमने यहाँ पर इसको फिट किया है, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पानी जाने वाला पाइप है, ये 3 इंच का पाइप है और ये हमारा बाथटब हो गया। हम इसको फिट करेंगे। अभी इसके नीचे वो ईंटें लगा रखी है, ये देखिए ये हमारी बाथटब की वेस्ट कपलिंग है जिसके साथ चैन आई है, ये हमारा ओवरफ्लो का है। जब भी बाथटब है वो भर जाएगा तो पानी यहाँ से वो निकल जाएगा, ये ओवरफ्लो का है। जो हमने वो FTA वगैरह ले आए हैं, हम रजिस्टर वगैरह सारा सामान ले आए हैं। ये हमारा 50 mm की FTA है। ये देखिए ये बाथटब मैंने वो रख रखा है, ईंटों के ऊपर रख रखा है, क्योंकि जैसे 7 इंच इसके नीचे जगह होनी चाहिए ताकि हमारा पाइप वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तब इसकी पॉलीथीन वगैरह उतार लेते हैं, आप चाहें तो नहीं भी उतारें क्योंकि मसाला वगैरह नहीं लगेगा, लास्ट में उतार सकते हैं। तो मैंने जो 6-7 इंच ऊपर ये ईंटें हैं उनको एक लेवल में वो कर दिया है। ये हमारा ओवरफ्लो है दोस्तों, इसको हमने वो टाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वो नट आता है जिसको आपको आवश्यकता अनुसार काटना पड़ता है, फिर ये अच्छे से टाइट हो जाता है। फिर आप इसके चारों तरफ MC लगा देना। और यहाँ पर हमने इसकी वेस्ट कपलिंग भी टाइट कर दी है और नीचे FTA लगाई है 50 mm की। तो आप देख सकते हैं टेफ्लॉन लगाने के बाद ही हम वो FTA टाइट करेंगे। वेस्ट कपलिंग और ओवरफ्लो और टाइट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर रख लिया है। आप देख सकते हैं समान रूप से हमने लेवल करी थी ईंटें, उनके ऊपर रखा है तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। और हम इसको चारों तरफ की दूरी चेक कर लेंगे, जिधर हमारे पॉइंट है मिक्सर के उधर वो ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे, उधर वो 2 इंच से वो ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे और इधर हम वो 3-4 इंच छोड़ सकते हैं। तो यह देखिए हमने एकदम से पाइप की सीध में वो इसको रख लिया है, अच्छे से इसकी चारों तरफ से दूरी चेक कर लिए और इधर हमने 3 इंच का एल्बो लगाया है। जॉइंट करते समय दोस्तों बिल्कुल भी हम वो लूज जॉइंट नहीं छोड़ेंगे, हर जॉइंट वो परफेक्ट तरीके से लगाएंगे। ये देखिए हम मैंने इधर से टाइट कर दिया है, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। तो हम वो इधर जॉइंट कर रहे हैं, सोलवेंट में कमी नहीं आपको रखनी है बिल्कुल भी, अच्छे से जॉइंट करने हैं सारे। तो ये हम वो 50 mm के एल्बो में पाइप का छोटा सा टुकड़ा है वो चिपकाने के बाद जीरो कटिंग कर रहे हैं, इसको फिर वो इस प्रकार से अच्छे से वो चिपका देंगे। और आपको हमें वो हर जॉइंट की जानकारी दे रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी प्लम्बर कर सकता है। ये 90 mm का हमने एल्बो लगाया, फिर 90x63 का रेड्यूसर लगाया है, फिर 63x50 का लगाया है हमने, और सीधा हमें रेड्यूसर नहीं मिला था 90x50 का, क्योंकि FTA हमारी 50 की आई है इसके अंदर। तो फिर एल्बो लगाने के बाद, खड़ी टी लगाने के बाद इस प्रकार से ओवरफ्लो में हमने वो जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने 50x40 का रेड्यूसर लगाया ऊपर ओवरफ्लो में और फिर इसको इसके अंदर वो घुसा दिया है जो ओवरफ्लो है। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसकी सारी PVC के जॉइंट कर दिए हैं और MC लगा देंगे जो भी मुख्य जॉइंट है हमारे ओवरफ्लो वगैरह के। तो बाथटब लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पानी भरकर आप वो चेक कर लेंगे बाथटब हमारा कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, और जो हमारा पानी ड्रेन होगा उसमें से कोई जॉइंट तो लीकेज नहीं है, तो हम वो चेक कर लेंगे इसको वो अच्छे से थोड़ी देर ये सॉल्वेंट वो सूखने के बाद हमारा पाइप वो फिट होने के बाद। तो अब हमने इसमें पानी डाल लिया है, थोड़ा पानी चलाकर भी चेक कर लेते हैं कि कहीं पानी तो नहीं लीक कर रहा है। तो अच्छे से हमने परफेक्ट जॉइंट लगा दिया है, आप देख सकते हैं पानी अच्छे से जा रहा है। उसके बाद हम इसको पैकिंग करेंगे और आप देख सकते हैं हम वो इसमें ये सीमेंट और बजरी का जो मसाला है इसको वो पतला इसका घोल बना रखा है वो इधर वो डाल रहे हैं, क्योंकि इधर हमने ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा है, इधर हमारा ये पॉइंट है तो मुश्किल से 1 इंच हमने स्पेस छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं इधर वो हाथ भी नहीं जा सकता, तो आपको इसी प्रकार से डालना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से सीमेंट और रेती का जो मसाला बनाया है उसका घोल है वो इसको पिला देना है ताकि बिल्कुल भी वो खाली ना रहे। ये देखिए हमारा पानी ड्रेन हो रहा है, खाली नहीं रहेगा तो ये आवाज़ नहीं करेगा, वरना ये आवाज़ करेगा। तो आप वो अच्छे से इसको ये मसाला वो पिला दें जिससे कि जहाँ भी खाली होगा वहाँ पर ये चला जाएगा। ये देखिए हमारा पानी जा रहा है, अच्छे से ड्रेन हो रहा है। वेस्ट कपलिंग वगैरह हमने एकदम परफेक्ट तरीके से लगाई है, आपको इस प्रकार से मसाला है वो टाइट कर देना है और इधर है वो आपको ईंटों की चिनाई कर देनी है। ये देखिए हमारा, हम इसको चिनाई कर देंगे ईंटों की और साथ में मसाला डालते जाएंगे जिधर भी हमें खाली दिखे उधर। तो अच्छे से पैकिंग करनी है वरना ये हिल डुल जाएगा तो ये सेटिंग नहीं होगा, और जिधर है वो उधर की साइड हाथ नहीं जा सकता, उधर हम वो मसाला इसको पिलाते जाएंगे, मसाले का जो घोल है वो डालते जाएंगे और करनी से या फिर किसी लकड़ी से वो अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि वो जहाँ भी खाली हो वहाँ चला जाए। इसके बाद वो इसको साफ़ कर लेंगे,
हम वो अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि टाइल्स वगैरह लगे तो परेशानी ना हो, तो अच्छे से साफ़ करेंगे आप वो चिनाई करने के बाद। और इसकी चिनाई है वो 1 इंच से है वो आप अंदर ही रखेंगे ताकि टाइल्स वगैरह लगे वो लेवल में लग जाएं। वो साइड में भी है वो आप वो थोड़ी जगह छोड़ देना, मसाला है वो आपका डाउन ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट तरीके से लगा दिया है, ये देखिए प्लास्टर भी कर दिया है। अब प्लास्टर आपका वो अंदर रहना चाहिए और जो भी ये कोर है इसकी ये एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो आपको जानकारी कैसी लगी है आप कमेंट ज़रूर कर देना। टाटा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, एक से एक बढ़कर वीडियो हमारे चैनल पर है। आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ लेना, एक बार आप वो चैनल ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।